सबको देख लिया है, सबसे तंग आ चुके हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली दल हो या हरियाणा में इनेलो पार्टी हो, तो सबसे तंग आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियाँ, जो ईमानदारी है, जो हमने 8-10 साल से उनके बारे में सुना है, देखा है, पढ़ा है, और जो उन्होंने दिल्ली में काम किए हैं, उसके प्रचार के लिए मैं पंजाब में आया हूँ। ये साडा साथी नरेश कुमार, इहदा नाम आ, लेकिन इन्हें अपना नाम पोपट भाई रखिया है। तो जिस तरह ये जिहदे जज्बे दे नाल चलिया, इहो ही जज्बा साडे एक एक वलंटियर दे विच आ। सर, मैं अपने अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियाँ, जो ईमानदारी है, जो हमने 8-10 साल से उनके बारे में सुना है, देखा है, पढ़ा है, और जो उन्होंने दिल्ली में काम किए हैं, उसके प्रचार के लिए मैं पंजाब में आया हूँ। आम आदमी पार्टी ही सर, सबको देख लिया है, सबसे तंग आ चुके हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली दल हो या हरियाणा में इनेलो पार्टी हो, तो सबसे तंग आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे दिल्ली में, जो उन्होंने उम्मीदें जगाई थी, उन सब पे उन्होंने काम किया है, और कहीं ना कहीं सब खुश हैं। तो हर जगह प्रचार हो चुका है कि केजरीवाल जी अच्छे इंसान हैं और वो जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इसी उम्मीद के साथ, केजरीवाल से ही उम्मीद करके उनका प्रचार कर रहे हैं। कहां से पैदल चले? सर, मैं हरियाणा रोहतक से पैदल चला हूँ 4 तारीख को। और आगे का कहां मतलब होगा? अभी तो वैसे अटारी बॉर्डर जाना था मुझे, लेकिन अब मैं वहाँ लॉकडाउन के कारण रोक दिया गया है, आगे मुझे शायद नहीं जाने देंगे, तो मैं अपने वैष्णो देवी जाऊंगा पैदल यात्रा, वहाँ से वापस होते हुए मैं चंडीगढ़ की तरफ आऊँगा। केजरीवाल जो दिल्ली में काम कर रहा है, वो पंजाब में काम होंगे वैसे? सर, कहीं ना कहीं उससे बढ़कर काम होंगे पंजाब में, क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, राज्यपाल की दिक्कत है, नगर पालिका की दिक्कत है, और केंद्र सरकार की भी दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कतें पंजाब में नहीं आएंगी। अगर दिक्कतें पंजाब में नहीं आएंगी तो दिल्ली से बढ़कर पंजाब में काम होगा। आप केजरीवाल का प्रचार कर रहे हो, किसानों वाले हो? सर, जिसका मैं प्रचार कर रहा हूँ वो सबका प्रचार कर रहा है। मुझसे बड़ा चेहरा जो है वो केजरीवाल जी हैं, और जब से किसान दिल्ली में गए हैं, हरियाणा पंजाब से शुरुआत हुई थी, उससे पहले ही केजरीवाल जी ने उनके लिए वहाँ व्यवस्था करी थी किसानों के लिए, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, दवाइयों की हो, और हर जगह उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। दिल्ली के लगभग MLA हैं जो किसानों के बीच में घूम रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, और तो मेरे सारे की साथ इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी हाईकमान पार्टी वो किसानों के साथ लगी हुई है। और मैं भी हरियाणा से गया हूँ कई बार, हमारे रोहतक से गाड़ियाँ जाती थी फल फ्रूट लेके, डेली गई हैं वो, 5-4 महीने लगातार किसानों के बीच में गई हैं, अपने भादरगढ़ बॉर्डर की तरफ जाती थी, लगातार वहाँ पर फल पहुँचाया है। साड़ी पार्टी के बच्चे यो ही जनून आ, ये जिस तरह ये जनून के नाल ये साडा साथी नरेश कुमार, यदा ना आ, लेकिन इन्हें अपना नाम पोपट भाई रखिया है। तो जिस तरह ये जिदे जज्बे के नाल चलिया, यो ही जज्बा साढ़े एक एक वलंटियर के बच्चे आ। सारे वलंटियर चाहते हैं कि पंजाब के अरकी की सरकार आनी चाहिए आ, ताकि पंजाब जड़ा इन्ने दुखांत लोड़ा तो गुजर रहा है, उन्होंने उतों बहर कढ़िया जाए, पंजाब नूं फिर मुड़ खुशहाल किया जाए। इस वास्ते सारे वलंटियर अपना अपना रोल निभा रहे हैं, जिदे विच ये साथी का भी रोल है। आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच बहुमुखी असी विकास चाहते हैं। साढ़े लोगों अज तक यो ही सुनने मिलया, जे कांग्रेस गौरमेंट आँदी है तो कहती अकाली खजाना खाली करके, तो जे अगर अकाली आते तो कहते जोड़े कांग्रेसी आ वो खजाना खाली कर गए। साडा मेन मंतव यो ही आ कि खजाना हमेशा खाली रहिंदा, लेकिन टैक्सा की भरमार जी हर पंजाबी भुगत रहा है, हर पंजाबी पे कर रहा है। तो इस करके असी चाहते हैं कि साढ़े टैक्स का जोड़ा ढुकवा वो लाभ लोगों मिले, जोड़े वोटर आ उन्होंने मिले, जोड़ा कि अजे तक नहीं मिल रहा। लोग भावें कांग्रेस की गौरमेंट हो, देखा होगा कि सिद्धू साहब भी यो ही गल कहें रहे कि 75-25 का अनुपात हो जाता है, असी वो 75-25 के अनुपात में 100% वोटर तक पहुँचा चाहते हैं। इस करके साड़ी लड़ाई दिन रात यो ही चल रही। ये साढ़े बच्चे कल तो ने सी इन का सन्मान भी दफ्तर किया, नाले इन्हों रस्ते दे भी सन्मानित किया तो सामने आहो जे होर भी साथी जेडे यहोजा जज्बा लैके चलन, हर एक उस साथी का सन्मान किया जाएगा पार्टी वालों।